स्नेहा ने घर वालों को दिया दिवाली गिफ्ट, जीत लाई रजत पदक, घर में जले दिए। स्नेहा की सफलता से प्रदेश में भी जश्न, घरों पर लोग पहुंचा रहे मिठाई के डिब्बे, दे रहे बधाई। सालों की मेहनत का मिला फल, स्नेहा चौहान से सीखेंगी उत्तराखंड की बेटियां। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के जीतने का शतक जल्द ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ की बेटियां भी अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी हैं। उत्तराखंड की बेटियां लगातार आसमान को छू रही हैं। एक एक कर सभी बेटियां अपनी कामयाबी के हौसले को निभा रही हैं और मेहनत से मुकाम को हासिल कर रही हैं। एक बार फिर एक बेटी ने कमाल कर दिया है, जिसकी तारीफ पर पूरे प्रदेश में हो रही है। किसी चीज के पीछे अगर शिद्दत से लगो तो सारे मुकाम पैरों पर गिर जाते हैं। मुश्किल राहों में चाहे जितनी हो, लेकिन उन मुश्किलों से भी निकल कर ये बेटियां आगे बढ़ रही हैं। परिवार की गरीबी में खुद के लिए और अपनी मंजिल के लिए समय निकाल कर सीखना कितना मुश्किल होता है। धन्यवाद उस बाप को जो ऐसी बेटियों को सपोर्ट करते हैं कि जा तू आसमान छू, मैं सारी व्यवस्था करूंगा और ये पिता ही कर सकता है। भले ही शाम के वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन बेटियों के सपनों को पूरा करने की जिद भी होनी चाहिए। उत्तराखंड की बेटियां पिता की इस मेहनत पर खरी उतरती हैं और पिता के सिर को ऊंचा तब कर देती हैं जब मुकाम हासिल कर लेती हैं, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए इतनी लगन से सीखती हैं। सालों की तपस्या के बाद जब सफलता मिलती है तो कामयाबी का जश्न 100 गुना हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर रही है इस समय पहाड़ की बेटियां, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम बात कर रहे हैं स्नेहा चौहान की। स्नेहा ने सफल होने के लिए बहुत मेहनत की, सालों तक लगी रही कि एक दिन तो कामयाब होकर ही रहेंगी, और दिवाली आने वाली है, ऐसे में ये गिफ्ट अगर मिला है तो खुशियों के दीपक अब जलते रहने चाहिए। स्नेहा इसी सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही है। गोवा में इस समय 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन चल रहा है। अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। इसी खेल में पहाड़ की स्नेहा चौहान ने भी हिस्सा लिया है और उत्तराखंड की स्नेहा चौहान ने 57 किलोग्राम वजन की जूडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर प्रदेशवासियों को गौरवान्वित कर दिया है। स्नेहा चौहान की इस कामयाबी के बाद से पूरा घर दिवाली मनाने लगा है, क्योंकि स्नेहा ने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि उत्तराखंड की दूसरी बेटियों को भी खास मैसेज दिया है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए लग जाती है। पहाड़ की बेटी कुछ ऐसा ही कर रही है। हर दिन की मेहनत रंग लानी ही थी, और जब जूडो के खेल में उतरी तो विरोधियों के पसीने छुड़ाते चली गई, क्योंकि स्नेहा चौहान के दांव पेच से किसी को आगे निकलना आसान नहीं था। आखिरकार स्नेहा को इस खेल में 57 किलोग्राम वजन की जूडो प्रतियोगिता में रजत पदक मिल गया है। फिर क्या था, पूरा प्रदेश इस बिटिया के खेल की तारीफ कर रहा है। स्नेहा चौहान उत्तरकाशी के हनोल के बंगाण क्षेत्र से जुड़े सीमावर्ती भगियार गांव की रहने वाली हैं। स्नेहा चौहान इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जूडो में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इस मुकाम तक स्नेहा को ले जाने तक हरिद्वार पुलिस में तैनात उनके चाचा संतोष चौहान की अहम भूमिका रही। उनके चाचा उत्तराखंड पुलिस में तैनात हैं। अपने चाचा की मेहनत, लगन और जज्बे को देखकर स्नेहा भी कुछ करना चाहती थी। अब स्नेहा ने नेशनल गेम्स में रजत पदक अपने नाम किया है।